हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा कि गुणनखंड क्या होते हैं और दो या दो से अधिक संख्याओं के सार गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो या दो से अधिक संख्याओं के सार गुणनखंड में से सबसे बड़ा गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ एक संख्या ली है मैंने 12 और हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरह विभाजित करती हैं, अर्थात 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड सोचिए, 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड है। इसी प्रकार यदि हम 16 एक संख्या ली है मैंने और यदि मैं 16 के गुणनखंड देखता हूँ कि वे संख्याएं जो 16 को भाग करती हैं 1, 2, 4, 8 और 16, ये 12 के गुणनखंड, ये 16 के गुणनखंड। यहां हम देखते हैं कि जो 1 है वो 12 का भी गुणनखंड है और 16 का भी गुणनखंड है। इसी प्रकार संख्या 2 और 4, तीन संख्याएं ऐसी हैं जो 12 को भी भाग करती हैं और 16 को भी पूरा पूरा भाग करते हैं। ऐसी संख्याओं को, इन संख्याओं का सार गुणनखंड कहते हैं। तो 12 व 16 का सार गुणनखंड, इनके सार गुणनखंड हुए कौन कौन से, 1, 2 और 4। तो 12 और 16 के ये सार गुणनखंड हो गए। हम सीख रहे हैं आज सबसे बड़ा सार गुणनखंड निकालने। यदि हम इस प्रकार देखते हैं तो जैसा देख के आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि दिए गए सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा जो सार गुणनखंड है वो कौन सा है, आप देख के पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ सबसे बड़ा जो सार गुणनखंड है वो 4 है। अब हम जिक्र करते हैं कि ये जो लिखा है ये क्या है। यहाँ हमने देखा कि दो संख्याओं के सार गुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार गुणनखंड 4 है। यहाँ संख्याएं 12 और 16 थी। यदि हम इस बात को शब्दों में सही तरीके से कहें तो कहने का अर्थ क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के सार गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड है उसे दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं, या फिर महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं आप, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है। तो किस प्रकार दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है यह आपने देखा, लेकिन यहाँ संख्याएं छोटी हैं, इनके गुणनखंड हम सोच के कल्पना करके अपने आप बता पा रहे थे कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग हो सकती है। लेकिन यदि संख्याएं बड़ी हों, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, या तो हम भाग विधि का सहारा लेते हैं महत्तम निकालने के लिए, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि का। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम निकालना सीखेंगे। देखते हैं किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का महत्तम निकाला जाता है। यहां मैं कुछ और संख्याएं लिखता हूं। यहां मैंने तीन संख्याएं ली हैं, 70, 105, 175। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। शुरुआत करते हैं ऐसी संख्या से जो इसको पूरी तरह विभाजित कर दे, छोटी से छोटी, या फिर ये कहे कि 70 के सबसे छोटे गुणनखंड से शुरू करें, इसके सबसे छोटे गुणनखंड से, और इसी प्रकार क्रम में करते रहे। तो यहां शुरुआत करते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पर शून्य है, 2 से विभाजित हो जाएगी 35 बार। अब 2 से विभाजित नहीं होती क्योंकि इकाई के स्थान पर संसंग नहीं है, 5 और 3 8, अंकों का योग भी 3 नहीं है, 4 से भी विभाजित नहीं होती। तो हम देखते हैं 5 से, जब तक संख्या विभाजित होती रहती है किसी एक अंक से तब तक विभाजित करते रहिए, फिर उसके अगले गुणनखंड पे चलिए। तो 2 के बाद हमने 5 से विभाजित किया इसे 7 बार और 7 को 1 बार। इसी प्रकार 105 का हम करते हैं, 3 से फिर 5 से विभाजित होगी 7 बार और इसी प्रकार ये। यहां हम करते हैं 5 से हम लिखते हैं अभी 70 के गुणनखंड, हमने अभी याद किए 70 के गुणनखंड, या फिर आप लिखिए 70 के अभाज्य गुणनखंड।
70 दिन है बाजे मूलन का, कौन कौन से हैं? 2 × 5 × 7। इसी प्रकार 105 के लिए बाजे मूलन खंड की बात करते हैं तो 3 × 5 × 7। और इसी प्रकार 175 की जो है बाजे मूलन खंड है वो 5 × 5 × 7। ये इनके गुणनखंड है। अब बात करते हैं सार्वगुणनखंड की। यदि सार्वगुणनखंड देखते हैं तो सार्वगुणनखंड यहां 5 और 7, 5 और 7। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड निकालने के लिए या फिर एचसीएफ निकालने के लिए हम सार्वगुणनखंडों के आपस में गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सार गुणनखंड 5 और 7 हैं और हमें सबसे बड़ा सार गुणनखंड या फिर आप ये कहिए एचसीएफ निकालना है, तो हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास इनका गुणनफल जो आया वो 7 और 5 की गुणा अर्थात 35, अर्थात इन दी गई संख्याओं का 70, 105 और 175 का एचसीएफ 35 होगा। इसी प्रकार अलग अलग संख्याएं लेके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ और बात देखते हैं इनके बारे में, इनसे संबंधित महत्तम समापवर्तक से संबंधित। ये तो आप समझ गए होंगे, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इनकी अलग अलग संख्याएं लीजिए और देखिए कि किस प्रकार उनका एचसीएफ निकाला जा सकता है। अब एचसीएफ से संबंधित कुछ और बातें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि दो संख्याएं यदि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का लगातार आने वाले, मान लीजिए 10 और 11, ये जो संख्याएं हैं क्रमागत संख्याएं हैं 19, 20, 100, 101, अच्छा लगातार आने वाले, दो क्रमागत संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो सदैव एक होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। देखिए 2 × 5 = 2 हम करके देखते हैं, उसी प्रकार यदि मैं इसके गुणनखंड करता हूँ तो 10 के गुणनखंड जो है वो है 2 और 5, इसी प्रकार 11 के गुणनखंड 11। यहाँ एक बात देखने की है कि जिन संख्याओं में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है एक के सिवाय, यहाँ एक साझा गुणनखंड हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक के सिवाय कोई भी साझा गुणनखंड नहीं, या फिर आप ये कहिए कि कोई भी अगर सार्वगुणनखंड नहीं है ऐसी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है। तो ये ध्यान रखिए कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक आप कहिए वो सदैव एक होता है। इसी प्रकार दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम क्या होता है वो भी और देखते हैं कि यदि क्रमागत सम संख्याएं हैं, यदि हम क्रमागत सम संख्याओं की बात करते हैं 10 और 12 लेते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ इनके है भाज्य गुणनखंड दिए मैंने, और इस प्रकार 10 की जो गुणनखंड है वो हमारे पास आए 2 और 5, 12 के जो गुणनखंड है वो 2 × 2 × 3, ये है भाज्य गुणनखंड इनके। यहाँ हम देखते हैं सार्वगुणनखंड, तो सार्वगुणनखंड 2 है, सबसे बड़ा भी यही है, इसका मतलब 10 व 12 का एचसीएफ जो है वो कितना है 2। इसी प्रकार आप करके देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे आसानी से कि जब दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है तो सदैव 2 आता है। इसी प्रकार यदि हम दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम निकालते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं 2 विषम संख्याएं ले लेता हूँ 15 और 17, यदि हम इनका महत्तम निकाल के देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखते हैं ये विभाजित नहीं होता, 15 की अभाज्य गुणनखंड यदि हम देखते हैं तो 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3, 5, उसी तरह 17 के अभाज्य गुणनखंड 17। सार्वगुणनखंड की बात करते हैं तो सार्वगुणनखंड यहाँ सिर्फ 1 ही है, जो मैंने लिखा नहीं है आप ऐसे कर सकते हैं उसे लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। ऐसी संख्याओं में जब उनका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो सदैव, क्योंकि सार्वगुणनखंड कोई नहीं है तो एचसीएफ कितना है 1 ही होगा, तो दो विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी सदैव 1 ही होता है। ये कुछ विशेष बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया। आशा है आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड
क्या होते हैं, सार गुणनखंड किस प्रकार निकाले जाते हैं, सबसे बड़ा सार गुणनखंड अर्थात एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, और सम और विषम संख्याओं की जो गुणनखंड है वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तो घर पर रहिए, आज के लिए इतना ही काफी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलते हैं एक नए उप विषय के साथ। तब तक नमस्कार।